नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिटकॉइन सिक्योरिटी जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं ना, उन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आप यहां से बिटकॉइन के बारे में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बिटकॉइन क्या है। सीधी सीधी बात है, जैसे हम और आप पेटीएम से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉलेट की बात कर रहा हूँ, तो वॉलेट में जो मनी जाती है वो वर्चुअल फॉर्म में रहती है। ना ही तो हम उसे आप कभी देख पाएंगे और ना ही हम और आप कभी उस मनी को हाथ में ले पाएंगे। तो इसी तरह से बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन के भी जितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे वर्चुअल फॉर्म में रहते हैं, वरना ना तो आप कभी हाथ में आएंगे, आपके जो बिटकॉइन करेंसी है ना तो आपके कभी हाथ में आएगी और ना ही आप उसे कभी देख पाएंगे। वो सारी ऑनलाइन रहती है, वर्चुअल फॉर्म में रहती है। जब बिटकॉइन 2009 में बना था तब इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी, जीरो पर था। लेकिन अब 2020 आ गया है तो लोग मानते हैं इसकी कोई मार्केट वैल्यू है। ये जैसे जैसे बिस्ता जाता है उसी तरह से इसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है, मतलब महंगा होता चला जाता है। ये सारा खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। बिटकॉइन का एक नंबर फिक्स है, 21 मिलियन। 21 मिलियन से बिटकॉइन ज्यादा नहीं बन सकते, ये यहीं तक सीमित है। बिटकॉइन जिसने बनाया था उसने 21 मिलियन पर एक नंबर सेट कर दिया था कि इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते। इसीलिए बिटकॉइन महंगे होते चले जाते हैं। जिस तरह से बिटकॉइन बेचता है उस तरह से बिटकॉइन महंगा होता चला जाता है, तभी लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं और इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब बात आती है बिटकॉइन खरीदने और बेचने की, तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से हम पेटीएम में लेन देन करते हैं, सामने वाले को पैसे भेजते हैं, तो उसे पैसे अगर नहीं रिसीव होते हैं तो हम पेटीएम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, इसके कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है, तो हम किससे संपर्क करेंगे, किसका गला पकड़ेंगे? तो अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास एक वॉलेट है बिटकॉइन का और मुझे आपको एक बिटकॉइन भेजना है, तो मैंने आपके वॉलेट का एड्रेस लिया और आपको एक बिटकॉइन सेंड कर दिया। अब होता यह है, जो वो मैंने बिटकॉइन सेंड किया था आपको, जो उसका ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन चला जाता है ओपनली ब्लॉकचेन के अंदर। अब ये ब्लॉकचेन क्या है? सो ब्लॉकचेन के थ्रू होता ही है, ब्लॉकचेन पहले ये कन्फर्म करेगा कि मेरे पास पैसे थे या नहीं थे, जो मैंने पैसे आपको भेजे, और मेरे पास अगर थे तो वो कहाँ से आए और उसके पास कहाँ से आए जिसने मुझे भेजे थे। ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक। ये सारी करेंसी डिजिटल है ना, तो इसका सारा रिकॉर्ड बनता रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सारा रिकॉर्ड बनता है। तो अब वो जो मैंने आपको पैसे भेजे थे वो चले जाते हैं प्राइवेट और पब्लिक की के अंदर, और वो की चली जाती है बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में। अब यहाँ से खेल शुरू होता है डेटा माइनर और डेटा माइनर्स का। सो डेटा माइनर्स वो लोग होते हैं जो अपना कंप्यूटर देते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क को और बोलते हैं आप मेरा कंप्यूटर यूज कीजिए और ट्रांजेक्शन को कीजिए, इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। सो ब्लॉकचेन में होता ये है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे रहते हैं उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो सके, इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज तरीका है और इसके लिए ब्लॉकचेन यूज होती है। ब्लॉकचेन में डेटा माइनर्स अपना कंप्यूटर लगा देते हैं उस ट्रांजेक्शन करने के लिए, और बदले में उन्हें मिलते हैं कुछ फ्री के बिटकॉइन। और यहाँ चलता है कॉम्पिटिशन, जो उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कर देगा उसी को फ्री के बिटकॉइन मिलेंगे। और फ्री के बिटकॉइन आएंगे कहाँ से? जैसे मैंने बिटकॉइन भेजे थे, मान लीजिए मैंने एक बिटकॉइन भेजा तो मुझ पर 1.2 BTC वो फीस लगाएंगे। अब वो 1.2 BTC में कुछ पार्ट उसका चलाएगा, जो 0.2 BTC है उसका कुछ पार्ट चला जाएगा उस डेटा माइनर्स के लिए और कुछ पार्ट चला जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने बिटकॉइन भेजा मुझे नहीं मिला, मतलब सामने वाले को नहीं मिला। यहाँ पर कंप्यूटर लगे पड़े हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे पड़े हैं उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए, सब कुछ यहाँ पर ओपनली हो रहा है, पब्लिक की के अंदर हो रहा है, तो आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हमें एक बिटकॉइन का रिवर्स ट्रांजेक्शन चाहिए तो हम सुपर कंप्यूटर भी लगा देंगे ना उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। और करना ही करना है तो क्या करना है, आपको बता दूँ कि हमें बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत मतलब बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन पर सेट करने होंगे, बहुत सारी लोकेशन में सेट करने होंगे, और उन सभी कंप्यूटर्स को एक साथ उस पर्टिकुलर टास्क को कराना होगा, जिस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना है उस पर रन कराना होगा, तब कहीं जाके ये पॉसिबल हो पाएगा।
जो कि इम्पॉसिबल है लगभग, इसीलिए बिटकॉइन इतना सिक्योर माना जाता है। और बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शन एक साइट है जिसका नाम है blockchain.info, वहां पर अवेलेबल रहते हैं। बस परेशानी ये है कि आप कभी पता नहीं लगा सकते कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ से आया और कहाँ गया। वहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन आ रहा है, कौन सा जा रहा है, सभी चीज़ें ओपनली हो रही है। बस आप कभी पता नहीं लगा सकते कि ट्रांजेक्शन कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की प्राइस डिसाइड कैसे होती है कि कब रहेगी, कब ज़्यादा रहेगी। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, बिटकॉइन काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। मतलब जैसे जैसे बिटकॉइन बिकता है इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, और जब नहीं बिकता है तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक हैं, कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता, कोई भी इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे पड़े हैं इसी सेम नेम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको इसके सिस्टम को चेंज करना है तो आपको जो सारे जो कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे पड़े हैं उन सभी कंप्यूटर्स को एक साथ मॉडिफाई करना होगा, तब कहीं जाके आप इस सिस्टम को चेंज कर पाएंगे, जो कि आप कभी नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा है और आपको बिटकॉइन बेचना है तो बिटकॉइन आप तभी बेच पाएंगे जब मार्केट में उस बिटकॉइन की डिमांड होगी। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, मतलब बिटकॉइन की प्राइस कम चल रही है या डिमांड नहीं है मार्केट में, तो आप बिटकॉइन नहीं बेच पाएंगे और आपका बिटकॉइन धरा रह जाएगा। आप बिटकॉइन की सारी इन्फॉर्मेशन bitcoin.org और बिटकॉइन के सारे ट्रांजेक्शन blockchain.org पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई अब भी डाउट है जो बिटकॉइन से रिलेटेड है, समझ नहीं आया है, तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।